गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको एक्सरसाइज 6.2 कराई जाएगी। पहला क्वेश्चन है, आकृति में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी के। तो ये पहला क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। कोण दिया है 30 अंश, ये 30 अंश है, यह एक्स है और ये वाई है और ये दिया है 120 अंश। ये चित्र है, मान लीजिए ये ए बी सी डी दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं को एक रेखा काट रही है, उसमें से एक कोण दिया 30 अंश और एक दिया 120 अंश। एक्स और वाई का मान निकालना है। जब एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे, अगर एक्स और वाई के मान बराबर आते हैं तो ये समझ जाएंगे ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि ए कोण 130 अंश है या 130 अंश है। तो देखते हैं कि एक्स बराबर 130 होगा, क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक तरफ का पहली रेखा के अंदर कोण और दूसरी रेखा के बाहर का कोण बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। तो x बराबर हो जाएगा 130 अंश, यानी तो संगत कोण, कैरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, अब x कोण तो मालूम हो गया, अब x कोण जो है y के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहां लिख देंगे x बराबर y और बराबर हो जाएगा 130 अंश, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण। ठीक है ना, अब x का मान भी यहां लिख देते हैं, अतः x बराबर 130 अंश और y बराबर 130 अंश। अगर दोनों के कोण बराबर हैं, पहली रेखा का x का मान, दूसरी रेखा का y का मान, एकांतर कोण है, यदि एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दी हुई रेखाएं समांतर होती हैं। क्या लिख देंगे, कोण बराबर होने पर रेखाएं समांतर होती हैं, कोण बराबर होने पर रेखाएं समांतर होती हैं, अतः ए बी समांतर है सी डी के। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको नियम बताए गए थे, संगत कोण, एकांतर कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण, वाह कोण, इन नियमों को याद रखिए, तभी आपको सवाल आ जाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आकृति बनी हुई है, तीन रेखाएं दी हैं, ए बी रेखा सी डी के समांतर है और सी डी रेखा ई एफ के समांतर है और उसमें वाई और जेड का अनुपात दिया है, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2 है, बहुत ध्यान समझिए, तीन रेखाएं हैं, ये रेखा हो गई ए बी, दूसरी इसी के समांतर है जिसका नाम है
सीडी, तीसरी इसी के समांतर है जिसका नाम है ईएल। प्रश्न में दिया है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एल, ये प्रश्न में दिया है। इसमें से एक तिर्यक रेखा है जो तीनों को काट रही है। उस तिर्यक रेखा में दिया है यह कोण एक्स है, यह कोण वाई है, इसके बाद यह कोण दिया है जेड। तो हमें निकालना है एक्स का मान। तो आप ध्यान दीजिए चित्र से, चित्र से ए बी समांतर सी डी समीकरण एक मान लेते हैं, फिर सी डी समांतर ई एफ समीकरण दो मान लेते हैं। अब देख रहे हैं कि ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है, तो समीकरण एक और दो से जब समीकरण एक और दो की कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो समीकरण एक व समीकरण दो से ए बी समांतर ई एफ हो जाएगा। और जब ए बी समांतर ई एफ हो जाएगा तो ए बी समांतर ई एफ भी हो जाएगा, तो एक्स कोण जेड के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब ए बी समांतर ई एफ हो गया, इसीलिए एक्स बराबर जेड हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए ए बी रेखा ई एफ के समांतर है, इसीलिए कोण एक्स कोण जेड के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब एक्स बराबर जेड हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण है, तो उन कोणों का योग होता है 180 अंश। क्या लिख देते हैं? इतना करने वाले किए आगे, ऊपर है x प्लस y बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब नीचे दिया है कि x बराबर z था, तो यहां लिख देंगे z प्लस y बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि x बराबर z निकाल चुके हैं। अब चूंकि z अनुपात y बराबर दिया है 2:1 3:7, तो यहां से जेड बराबर मान लेंगे 3 और वाई बराबर मान लेंगे 7। इसको मान लेते समीकरण एक, इसी में रख दीजिए, ये हो जाएगा 3 प्लस 7 इक्वल हो जाएगा 180 अंश। ये हो जाएगा 10 इक्वल 180 अंश, तो k बराबर हो जाएगा 18, इससे कट जाएगा 0, ठीक है ना। k का मान आ गया, हमें निकालना है x का मान। तो पहले निकालते हैं z का मान। z बराबर दिया है 3 k का मान हो चुका है 18, हो जाएगा 3×18, तो z बराबर हो गया 18×54। ठीक, इसीलिए तो x बराबर भी हो जाएगा 54 अंश। क्यों? क्योंकि x बराबर z मालूम है, ठीक है ना। x मान आ गया 54 अंश, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। पुनः समझ लीजिए, ए बी समांतर सी डी का था और सी डी समांतर ई एफ के है, तो
हम सभी कर लेते हैं, मान लेते हैं ए बी समांतर सी डी के समीकरण एक, सी डी समांतर ए एफ के समीकरण दो। जब दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो ए बी समांतर ए एफ के हो जाएगा। जब ए बी समांतर ए एफ के हो जाएगा तो उस स्थिति में कोण एक्स कोण जेड के बराबर होगा, क्योंकि एक्स और जेड क्या है, एकांतर कोण है। इसके बाद देख रहे हैं कि ए बी और सी डी में एक्स और वाई त्रिय रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है और उन कोणों का योग होता है 180 अंश। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब पीछे निकाल चुके हैं कि z बराबर x या x बराबर z, हमें निकालना है x का मान, तो x के स्थान पर z रख दिया हमने, z प्लस वाई हो गया 180 अंश। क्यों? क्योंकि z और y का अनुपात प्रश्न में दिया है और हमें निकालना x का मान, इसलिए हमने x को z के बराबर निकाल दिया है। तो z के माध्यम से x का मान आ जाएगा। तो z अनुपात y दिया है 3:7, z का मान हो जाएगा 3 के और y का मान हो जाएगा 7 के। z और y के मान को समीकरण एक में रख देंगे, z का मान है 3 के, y का मान है 7 के, जोड़ लेंगे हो जाएगा 10 के बराबर 180। 10 का भाग दे देंगे तो k का मान होगा 18 आ गया। अब इस k के मान को हम z में रखें, क्यों? क्योंकि z x के बराबर है और हमें x का मान चाहिए। तो z बराबर 3 के, k के स्थान पर k का मान रख दिया 18 का 54, z का मान हो गया 54 अंश। अगर z का मान 54 है, x का मान भी 54 अंश होगा, क्योंकि x कोण z के बराबर है। ठीक है, तो ये 6.2 प्रश्न नंबर 1 और 2 हो गया है। से सलाह को कल बताएंगे, क्लास आप यहीं समाप्त की जाती है। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, तभी सवाल आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।